अंबाला पुलिस को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि अंबाला कैंट की गवाला मंडी में अवैध रूप से सिलेंडर में गैस भरने का काम हो रहा है, जिसको लेकर एक टीम गठित की गई और वहां पर छापा मारा। मौके से पुलिस ने एक गाड़ी भी कब्जे में लेकर वह चार लोगों को हिरासत में लिया। बरामद गैस सिलेंडर भारत इंडियन और HP कंपनी के थे। मौके पर टीम ने सिलेंडर में गैस भरने के लिए इस्तेमाल होने वाली 13 नोजल सहित सील भी बरामद की। बता दें कि अंबाला सिटी में कई बार गैस की कालाबाजारी पकड़ी जा चुकी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने 3 दिन पहले ही HP कंपनी के 11 सिलेंडर पकड़े थे। वजन करने पर 11 में से 4 सिलेंडरों में 500-500 ग्राम गैस कम पाई गई थी। कैंट SHO नरेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गवाला मंडी में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, जिस पर पुलिस ने पहले भी निगरानी रखी हुई थी। वहां पहुंचने पर मौके से 31 सिलेंडर भरे हुए व 5 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। वह गैस भरने का सामान भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि आज इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा व पूछताछ की जाएगी कि ये कितने समय से काम कर रहे हैं। पिछले काफी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि गोवाल मंडी में गैस के सिलेंडरों की कालाबाजारी का धंधा चल रहा है, जिस पे हमने विशेष निगरानी रखी हुई थी। कल मुझे सूचना मिली कि आज एक वहाँ डायरी है, उसमें काफी भारी मात्रा में सिलेंडर रखे हैं, जिसमें मैंने सब इंस्पेक्टर बुलकार सिंह इंचार्ज चौकी हाउसिंग बोर्ड के नेतृत्व में टीम तैयार की और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया। हमने वहां रेड की। रेड करने पर हमें 36 सिलेंडर, जिनमें ज़्यादातर कमर्शियल हैं, वो मिले हैं। 31 सिलेंडर भरे हुए और 5 सिलेंडर खाली, यानी कुल टोटल 36 सिलेंडर मिले हैं। और 13 जो रिफल नोजल, जिनसे वो गैस चेंज करते थे दूसरे सिलेंडरों में, वो मिली हैं, जिस पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 लोगों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है और आज हम इनको पेश करके जो मुख्य अभियुक्त है उसका हम पुलिस रिमांड लेंगे और रिमांड में ये जानने की कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे जानने का कि कितने लंबे समय से ये लोग इस धंधे में शामिल हैं, कहाँ से सिलेंडर लाते हैं, किन किन लोगों को ये सिलेंडर बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, और सिलेंडर जो जिन सिलेंडरों से गैस निकालते हैं वो सिलेंडर इनके पास कहाँ से आते हैं और कितनी है पर सिलेंडर में से निकालते हैं। इससे लोगों की ये जान को खतरा तो पैदा कर ही रहे हैं, मानव जीवन को अवैध रूप से वहाँ आबादी में, ये लोगों को भी धोखा दे रहे हैं कि सिलेंडर उनको कम मात्रा में देते हैं। हरियाणा के माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज और हमारे जिला के पुलिस अधीक्षक श्री जसनदीप सिंह जी, इन दोनों के सख्त आदेश हैं समस्त पुलिस बल को और खासकर हरियाणा के पुलिस बल को खास हिदायत है कि किसी भी प्रकार के जो 2 नंबर का धंधा करने वाले आदमी हैं, जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल धंधा करते हैं, चाहे वो व्हाइट कॉलर ऑफेंस करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑफेंस करते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आ जाए। और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और मैं आप लोगों के माध्यम से आम अंबाला कैंट की जनता से निवेदन भी करता हूँ कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार के 2 नंबर के कार्य की किसी अपराध की जानकारी है तो वो तुरंत मुझे 97-299-90-125 नंबर पे सूचना दें। बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा ताकि हम अपने हरियाणा को, मैं तो खासकर अंबाला कैंट की बात कहूंगा जहां की मेरे पे जिम्मेदारी है। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।